हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी केयरिंग क्लिनिक। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पाइडर रेमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट आर द स्पाइडर रेमेडीज। स्पाइडर रेमेडीज़ के क्या क्या नाम होते हैं और कौन कौन सी स्पाइडर रेमेडी होती है। तो जैसे कि टेरेंट्यूला हिस्पैनिका, जो कि एक रेमेडी है जिसको हम कॉमनली स्पेनिश स्पाइडर भी कहते हैं। दूसरी है लेक्ट्रोडेक्टस मैक्टेंस, जिसको अमेरिकन ब्लैक विडो भी कहा जाता है। माइगेल लेसियोडोरा, जिसको ब्लैक क्यूबन स्पाइडर भी कहा जाता है। टेरेंट्यूला क्यूबेंसिस भी होती है, जो कि क्यूबन स्पाइडर के कॉमन नेम से जानी जाती है। थेरिडियन, जो कि वेस्ट इंडियन ऑरेंज स्पाइडर कहा जाता है जिसको। अरेनिया डायडेमा होता है, जिसको स्पाइडर पेपल क्रॉस कहा जाता है। तो ये हमने कुछ स्पाइडर रेमेडीज़ के कॉमन नेम जान लिए और कौन कौन सी कॉमन रेमेडीज़ थी स्पाइडर ग्रुप की, वो हमने जानी। अब हम बात करेंगे कि स्पाइडर रेमेडीज़ की स्पेशलिटी क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पाइडर जो होते हैं वो अपनी वेब्स बनाते हैं, स्पिन करते हैं वेब्स को, और वेट करते हैं अपने प्रे का, जिसको कि वो ट्रैप करके अपनी टेरिटरी में अंदर डाल लेते हैं। और ये टॉक्सिक वेनम्स होते हैं स्पाइडर के, जितने भी वेनम्स होते हैं स्पाइडर के वो टॉक्सिक होते हैं। तो स्पाइडर्स अपनी कनिंगनेस और डिसीट के बारे में पहचाने जाते हैं कि वो कनिंगनेस, उनमें चालाकी और धोखा देने की एक ताकत होती है, जो कि कैप्चर कर लेते हैं अपने प्रे को इस तरीके से। तो इसलिए इनको ये टाइटल दिए जाते हैं कि ये ट्रैप्स करते हैं, रिवेंजेस लेते हैं। इनमें पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है। ये इंटेलिजेंट होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। इनमें पोजेसिवनेस भी बहुत होती है। ये सेंसिटिव होते हैं नॉइज से लेकर, इवन ये मैन्युपुलेटिव रिलेशनशिप्स के लिए भी जाने जाते हैं इस तरीके के लोग, जो कि स्पाइडर ग्रुप रेमेडीज़ के अंडर आते हैं। अगर हम होम्योपैथिकली जब रेमेडीज़ को प्रिपेयर किया जाता है तो पोटेंटाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है इनके वेनम से, तो ये दवाइयाँ इन इन तरह के लोगों में काम करती है जिनमें चेंजेबिलिटी हो, हरिडनेस हो, सडननेस हो, और इस तरीके के जो कि लोगों में क्वालिटीज़ पाई जाती हैं उनमें ये दी जाती है। Although I am explaining about the common features of the spider remedies, so हर रेमेडी के अलग अलग फीचर होंगे। टेरेंटुला के अलग होंगे, लेक्ट्रोडेक्टस के अलग होंगे, और लेक्ट्रोडेक्टस जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक पॉइजनस रेमेडी होती है। अब अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये लोग टॉल होते हैं, सिलेंडर होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, और नर्वस हाइपर सेंसिटिव पीपल होते हैं। ये ज़्यादातर उनमें दी जाती है जो कि क्विकली एक्शन लेते हैं और जिनकी कलरफुल पर्सनालिटीज़ होती है, यानी कि वो एक चीज़ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, उनकी चेंजेबिलिटी होती रहती है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर और प्रोफेशंस को लेकर। इनमें आर्टिस्टिक ट्रेट भी होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं इस तरीके के लोग। इनकी थर्मल क्लीवेज चिली होती है। ये इरिटेबल, नर्वस, हिस्टेरिकल और रेस्टलेस टेम्परामेंट के होते हैं। इनके कुछ डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि इनकी 8 legs होती हैं अराउंड द होल बॉडी, सो दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, इसलिए ये रेस्टलेस भी होते हैं इस क्वालिटी की वजह से। और ये अपने प्रे को जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं, कनिंगनेस और डिसीप होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए इनके बिहेवियर में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और इसका जो पॉइजन का एक्शन होता है बहुत वायलेंट होता है, इसलिए जो पेशेंट होते हैं इस तरीके के स्पाइडर ग्रुप के वो भी बहुत वायलेंट होते हैं। और चौथा ये कि इनमें मेल स्पाइडर जो होता है डांस करके मेटिंग करता है, अट्रैक्ट करता है फीमेल्स को, तो इसलिए इनमें डांस से बहुत सारी कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अब ये मेनली किन किन कंप्लेंट्स में दी जाती है मेडिसिन इसकी स्पाइडर्स की। पीरियोडिसिटी इनमें बहुत मार्क्ड होते हैं, यानी पीरियोडिक कंप्लेंट्स होती हैं। एक टाइम होता है, उसी टाइम पर ही कंप्लेंट आएगी उस आर में, उस दिन में, तो ये इनमें बहुत मार्क्ड है। इनमें सेप्टिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, पैल्पिटेशंस देखे जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज़ में इनमें वीकनेस होगी थोड़ा सा काम करने पर भी, और नमनेस फील होती है इनको लेग्स में। हाइपर सेंसिटिव होंगे ये, हाइपर एस्थीजिया होगा इनमें,
टिंगलिंग ट्रैमर बहुत ज़्यादा इनमें रहेंगे, इनवॉलेंट्री शेकिंग रहती है बॉडी में। वर्टिगो इनमें एक बहुत मार्क सिम्टम होता है, इनको क्लोज करने पर ही आते हैं आइज़ के, और ये टेरेंटुला में देखा जाता है मोशन से, स्टूपिंग से, ऑन बोर्ड अ वेसल, इसमें ये देखे जाते हैं। ये वर्टिगो की क्वालिटी इनमें ये देखी जाती है कि इनको एग्रवेशन इन चीज़ों से होता है। वैसे इनमें डिज़ायर्स रॉ फूड का रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स का, बनानास का, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, टोबैको का, और एवर्जन इनमें ब्रेड, मीट और चॉकलेट से रहता है। अगर हम इनके एग्रवेशन और एमिलोरेशन की बात करें तो एग्रवेशन इन्हें मोशन से होता है, टच से होता है, नॉइज़ से, जार साउंड, डैम्प वेदर, पीरियोडिकल नाइट और स्लीप से, जबकि बेटर ये म्यूज़िक से होते हैं, ओपन एयर से, डांस से और वॉर्म से होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे स्पाइडर ग्रुप की रेमेडीज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो, कुछ पूछना हो, तो आप इनबॉक्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से पा सकें। सो थैंक यू।